Hello friends, welcome to wifistudy.com. Changing the way of learning presents top 10 static GK questions. So friends, आज के इस वीडियो में वापस से मैं आपके लिए 10 important questions लेके आया हूँ static GK के, क्योंकि काफी बच्चों की request थी कि जो daily अपना session होता है एक नए subject का, ओके 10 क्वेश्चन को लेके इम्पॉर्टेंट वो बंद नहीं होना चाहिए. तो इसी को लेके मैं आपसे प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी डिस्कस करूंगा अभी 2 घंटे बाद में, ठीक है, वो वीडियो मैं आपके पास अवेलेबल करवाऊंगा. लेकिन राइट नाउ अपन आज स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपको घर बैठे प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, जहां पे आपके पास 3 पैकेज भी अवेलेबल है, जहां से आप 300 से ज्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, इनके द्वारा घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं. जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, तो आज अपन स्टैटिक जीके के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, जो कि आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज काफी होती है. ठीक है, तो डेली अपन इसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे. इसके अलावा मैं आपसे प्रीवियस ईयर के जो पेपर के जो वीडियो है वो भी डिस्कस करूंगा कुछ टाइम बाद में. तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका सवाल है. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है, ठीक है, और पॉपुलेशन को लेकर कई सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग और सब चीजें बताई जाती है. तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 11th जुलाई, 22 जुलाई, 5th मई या फिर 5th जून. ओके, तो उम्मीद है कि इसका आंसर सभी को आता होगा. प्रभात जी पूछ रहे हैं कि कभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी राइट नाउ पहला ही क्वेश्चन अपन कवर अप कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी के आंसर करेंगे. तो हरि शंकर जी का 11th जुलाई आंसर आया है फेसबुक पे. ओके, तो ये इनका जो आंसर है वो देखते हैं अभी सही है कि गलत है, काफी लोगों को और आंसर करना है इसके बारे में. तो रामवीर जी का ए आंसर आया है और काफी लोगों का 11th जुलाई इसका आंसर आ रहा है, और अभी एक ने 22 जुलाई भी बताया है. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका काफी लोगों जो 90% लोगों ने सही किया है, इनफैक्ट 95% ने, वो 11th जुलाई ही इसका आंसर है. हर साल इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यू को लेकर, अवेयरनेस जगाने को लेकर, ठीक है. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट काउंसिल या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट करवाया था 1989 के अंदर, ठीक है, इस इवेंट को. और ये किस लिए इंस्पायर्ड था, जो अपने 11th जुलाई को क्या हुए थे, 11th जुलाई के दिन ही 5 बिलियन लोग दुनिया में हो गए थे, इसीलिए उसी दिन इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, ये कॉन्सिडेंस था, ठीक है. 5 बिलियन लोग जिस दिन दुनिया में हुए थे 1989 में 11th जुलाई को, उस दिन इसको स्टार्ट करवाया था. और अगर अपन बात करूं मैं 2017 की, ठीक है, कि 2017 में 24 अप्रैल तक की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में कितने लोग हैं, पॉपुलेशन दुनिया की कितनी है, 7.5 बिलियन है, ठीक है, उसमें से 1.21 बिलियन इनफैक्ट ज़्यादा ही हो गई, ये तो मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो इसमें से ये इंडिया का रेशो है. ओके, तो सभी ने आंसर 11 जुलाई किया है, सभी का करेक्ट आंसर है. ओके, और यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है आपके पेपर के लिए. इतना ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्टार्ट करवाया था गवर्निंग काउंसिल 1989 के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द होजागिरी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो ये होजागिरी डांस का आपके बारे में बताना है किस स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है. होजागिरी डांस तो एक बहुत अच्छा डांस है, ठीक है, एक अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का. तो अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है ये डांस, ठीक है, ये आपका सवाल है. तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है आपके पास में वो है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और उम्मीद है कि इसके बारे में आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. कई सारे ऐसे फोक डांस और इंडियन क्लासिकल डांस दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ओके, और यहाँ पे प्रभात जी बोल रहे हैं 11th जुलाई इज रॉन्ग आंसर, तो 11th जुलाई रॉन्ग नहीं है, 11th जुलाई ही है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है. तो यहाँ पे संजय जी का नागालैंड आंसर आया है, त्रिपुरा, सिक्किम, काफी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं. अभिजीत कुमार जी का त्रिपुरा आंसर है. ओके, तो काफी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं इसके. नागालैंड मेरे ख्याल से नागालैंड लोगों ने ज्यादा पिक किया है यहाँ पे, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, त्रिपुरा होगा. ओके, बहुत लोगों ने नागालैंड सेलेक्ट किया है नियर बाय, इस बार 80% लोगों ने नागालैंड को सेलेक्ट किया है, लेकिन जो आपका आंसर है वो त्रिपुरा आपका आंसर है, ठीक है. ये कहाँ का डांस है, ये होजागिरी किसका, त्रिपुरा का फेमस डांस है. और ये लक्ष्मी पूजा जब होती है, ठीक है, लक्ष्मी पूजा जब होती है दुर्गा पूजा के जस्ट बाद में,
तब उस दिन इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। लक्ष्मी जो कि वहाँ पे मायलूमा लक्ष्मी जो गॉड है उनको वहाँ पे इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखें, जो दशहरा का तीसरा दिन होता है उस दिन भी इसको वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है और ये डांस वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी कम्युनिटी है, ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, जो टफेस्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन सी कम्युनिटी है जो कि इसको परफॉर्म करती है। तो कौन सी है, रियांग नाम की कम्युनिटी है जो कि सेकेंड, ओके, रियांग कम्युनिटी है जो कि सेकेंड क्या है, बिगेस्ट ग्रुप है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है किसके अंदर, त्रिपुरा के अंदर, वहाँ पे सेकेंड सबसे लार्जेस्ट यही है, ठीक है। तो ये लोग परफॉर्म करते हैं ये होजागिरी डांस को, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, कुकी ट्राइबल्स आर मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कुकी जनजाति के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए इंडिया में जो ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, ये जो ट्राइब्स होती है वो कुछ एक इंपॉर्टेंट होती है, तो उसी को लेकर अपन डेली हमेशा उनको कभी कभी कभार स्ट्रैटेजी के में डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुकी ट्राइबल के बारे में, जो जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, और अभी अभय जी ने पूछा कि मुझे बाकी जगह की भी बता दीजिए जो ये डांसेस होते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक अलग से आपके लिए वीडियो बना रखा है जिसके अंदर जो फोक डांस है और साथ में इंडियन क्लासिकल डांस है वो सारे इंडिया के जो मेजर हैं उसका मैंने पूरा अलग से आपके लिए एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे स्टेट्स के मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। अगर आप वो कर लेंगे तो उसके बाहर आपको कभी भी इसमें से नहीं मिलेगा कोई भी ट्राइबल या फिर कोई भी फोक डांस या फिर आप इंडियन क्लासिकल, ठीक है। यहाँ पर देखिए मणिपुर, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर किया है, और मणिपुर है, ठीक है, काफ़ी इनफैक्ट मेजरली लोगों ने मणिपुर ही किया है, तो आपका आंसर जो है वो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, मणिपुर ही इसका आंसर होगा, ठीक है। जो क्योंकि जो ये ट्राइबल एरिया है, एक ये हिल है, हिल के अंदर ये ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि रहती है कहाँ पे, इंडिया के अंदर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर और बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, ठीक है, इस कल्चर की और इस जनजाति की। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी जगह पे ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन वो पाई जाती है एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं मिलते हैं, इसके अलावा सभी मिलते हैं, और जो मेजरली जहाँ मिलते हैं वो है मणिपुर। तो अगर कल को आपको नॉर्थ ईस्ट का एक भी स्टेट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे और मणिपुर नहीं मिलता है तो भी आपको उसी का पिक करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मणिपुर मिलता है तो सबसे पहला ऑप्शन आपका मणिपुर ही होगा, ठीक है। मणिपुर, बर्मा, चिटगांग हिल्स, यहाँ पे ये मेजरली पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको बताना है कौन सा होता है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या फिर प्लैटिनम, ओके। तो प्रवीण जी बोल रहे हैं कि लिंक ऐड कर दीजिए, जरूर मैं आपको लिंक, अगर आप कमेंट करेंगे इस वीडियो के बाद में तो वहां पे आपको लिंक जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, राइट नाउ तो आपको मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, मिजोरम लोगों ने काफी, गोपाल जी ने मिजोरम उसका आंसर किया था, तो उसका आंसर मणिपुर सही था, ओके। घोष जी पूछ रहे हैं कि ट्रिबल जो इंपॉर्टेंट अपनी ट्राइब्स है उसके बारे में बता दीजिए, तो मैं उसके बारे में देखिए अभी तो आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपके लिए पेपर से पहले एक इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है उसके बारे में मैं आपको मेंशन करूंगा कौन सी कहाँ की है। तो यहाँ पर सिल्वर काफ़ी लोगों ने आंसर किया है सिल्वर, ओके, जगदीश जी ने, सौरभ जी ने, उन्होंने भी ए आंसर किया है, तो काफ़ी लोगों का सही है और आपका ये सबका ही आंसर सही है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझिए कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, काफ़ी बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। कंडक्टर में क्या होता है, एबिलिटी होती है ट्रांसमिट करने की एनर्जी को, ठीक है, कई तरीके की कंडक्टिविटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, अकोस्टिकल कंडक्टिविटी होती है, और जो हाइएस्ट जो सिल्वर है उसके अंदर होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्टेंस जिसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर, यहाँ पे दो चीज़ें आपको और भी ध्यान रखनी है, गुड कंडक्टर भी होता है और एक बैड कंडक्टर भी होते हैं। गुड कंडक्टर भी होते हैं जहाँ पे इजीली पास हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जैसे कि जो पास करने में उनको मुश्किल होती है, थोड़ी ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है, ओके, और जिनमें बिल्कुल भी नहीं हो पाती है उनको अपन इंसुलेटर की कैटेगरी में डालते हैं, इसीलिए कई जगह अपन गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर भी यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ओके। और जो कॉपर है, गोल्ड है, ये सब भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में काफ़ी काम में आते हैं। कॉपर क्या लेस एक्सपेंसिव है, गोल्ड जो है हायर कोरोजन रेसिस्टेंस है, इसकी वजह से काम में लिए
जाते ही है, लेकिन जो सिल्वर है ठीक है, और इसमें कॉपर की जो मेजरली है, कॉपर लेस एक्सपेंसिव होने की वजह से काफ़ी यूज में लिया जाता है, ये इसका एक बेनिफिट है कॉपर का, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा एक शुभम जी ने कि त्रिपुरा में तो एनी में ही वहाँ पे कुकी मिलते हैं, तो देखिए सभी जगह मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी स्टेट्स में मिलेंगे वो, लेकिन मेजरली मणिपुर में, इसलिए आपका आंसर जो था वहाँ पे कुकी ट्राइब का मणिपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, पेपर में 50 बार पूछा जा चुका है और उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको कभी नहीं छोड़ने हैं। पहला था, पहला है कहां से, वंदे मातरम जो है, ओके ठीक है, तो देखिए यहां पे वंदे मातरम के बारे में पूछा गया है, कर्मभूमि, गीतांजलि, आनंद भट्ट और भारत भारती, ये चार आपको नाम आपको दिए गए हैं, और यहां पे आपको बताना कि जो वंदे मातरम जो अपना नेशनल सॉन्ग है वो कहां से लिया हुआ है। ओके सी आंसर आया है शुभम जी का, जीतू जी का भी सी आंसर आया है, हरिशंकर जी का सी आया है, प्लैटिनम, ओके श्वेता शालिनी जी पिछले वाले का शायद आंसर कर रही है, और सभी का सी आंसर आया है, तो बहुत ही इजी सवाल था जैसा कि मुझे लग रहा था, और आपका आंसर सही है, आनंद मठ ही है इसका आंसर, ओके बहुत ही सिंपल सा सवाल था, और ये किस में था। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, जैसे कि सबसे पहले तो ये जो नॉवेल था वो बंगाली लैंग्वेज में था, बंगाली फिक्शन था, ओके रिटन बाय बकीम चंद्र चटर्जी, और 1882 में इसको पब्लिश किया गया था आनंद मठ को, ओके और ये सन्यासी रिबेलियन था स्टेट में चलाया गया था 18 सेंचुरी में, तो उसका बैकग्राउंड के तौर पे इसको स्टार्ट किया गया था सन्यासी रिबेलियन के तौर पे, और इसको इंपॉर्टेंट नोवल मानते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ बंगाल के अंदर और इंडियन लिटरेचर के अंदर, ठीक है, और इसके बाद में इंडियन जो स्ट्रगल है अपना इंडिपेंडेंस का वहां से भी इसको जोड़ दिया गया, और ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया था एक्चुअली, क्योंकि काफी पेट्रोइज्म इससे क्रिएट हो रहा था, और लेकिन जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद में इसको रिमूव कर दिया, ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। यहाँ पे देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट बुक्स और हैं जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा किनके द्वारा लिखी गई है, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा है, बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं हिंदी नॉवल लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद, तो ये कर्मभूमि उनके द्वारा लिखी हुई है, और अगर मैं इसकी भारती की बात करूँ, ये भारत भारती किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये मैथिली शरण गुप्ता जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, और गीतांजलि के बारे में तो आपको पता ही है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, तो यहाँ पे अमित सागर जी ने बिल्कुल सही कहा है, 1882 में पब्लिश किया था, ओके ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है कालिदास जी की, ओके तो यहाँ पे पुष्कर जी ने पूछा भारत भारती जी के ऑथर कौन है, तो मैं आपको बताया था अभी मैथिली शरण ओके गुप्त जी ये इनके ऑथर है, और यहाँ पे मैं कालिदास के बारे में पूछ रहा हूँ कि तो यहाँ पे इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, ओके और अभिषेक जी ने बोला है कि उन्होंने बुक पढ़ी है कर्मभूमि, तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप ये सब पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे चार किताब है, कदंबिनी, मेघदूत, शकुंतला और रघुवंश, तो आपको बताना कौन सी कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी हुई है, ओके तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है, बी आया है सौरभ जी का, हरिशंकर जी का डी आंसर आया है, और मेजरली ए और बी भी कुछ लोगों का आंसर आया, मेघदूत तो बहुत फेमस बुक है, तो इनफैक्ट देखिए यहाँ पे जो मेजरली आंसर आया वो ए आया है, और उम्मीद है कि सभी का आंसर सही है, और आंसर ए ही है आपका, कदंबिनी आपका आंसर है, ओके तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों में डिफरेंस क्रिएटेड है, तो देखिए कई सारे आंसर डिफरेंट आए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने आंसर गलत आएंगे, एक्चुअली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ओके तो मेघदूत, शकुंतला और रघुवंश ये सभी कालिदास जी के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, और जब अपन बात करते हैं कि ये कदंबिनी किसके द्वारा लिखी हुई है, तो ये बानाभट्ट, ये एक रोमांटिक नॉवल था जो कि संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा था, किन्होंने लिखा था, बानाभट्ट ने, ओके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और आपको ये याद रखना है किसमें लिखा था, फर्स्ट सेवन सेंचुरी के अंदर, जो फर्स्ट हाफ था सेवन सेंचुरी का, लेकिन उसके बाद में जब ये पूरी करने से पहले इनकी डेथ हो गई थी, ओके उसके बाद में जो इनके बेटे थे भूषण भट्ट, उन्होंने इस बुक को कंप्लीट किया था, तो एक्चुअली मेरा यहाँ पे आपको बताने का जो मोटिव था वो उस बुक के बारे में ही था, इसीलिए मैंने कालिदास जी से इसको रिलेट किया है, ओके तो
तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो नोवेल है कादम्बरी संस्कृत में लिखी गई थी, बाना भट्ट जी ने स्टार्ट की थी और भूषण भट्ट ने इनको इस किताब को ख़त्म करी थी। ओके, तो ये बाकी जो बुक्स हैं मेघदूत, शकुंतला और रघुवंश, ये सभी कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे देखिए कई लोगों ने आंसर सही भी किया और साथ में राइटर भी मेंशन किए हैं कि बाना भट्ट जी राइटर, जैसे दिलवर जी ने लिखा है, दिलवर जी ने लिखा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडिसिन यूज फॉर रिड्यूसिंग फीवर इज, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, मेडिसिन कौन सी ली जाती है जब आपके फीवर हो जाता है। तो फीवर में जो टेम्परेचर अगर आपको लो करना है, ऑब्वियस है जब आपकी बॉडी में फीवर होता है तब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कौन सी जो मेडिसिन है वो ली जाती है। ओके, डायपेजाम, पैरासिटामोल, ब्रूफेन या फिर एस्पिरिन, ये चार नाम आपके सामने है और उम्मीद है कि काफ़ी लोग इसका आंसर सही करेंगे। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपको तीन और जो मेडिसिन है उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि ये किस लिए काम में आती है, तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे पैरासिटामोल ए आंसर आया, काफ़ी लोगों का, महेश जी का ए आया है, पूजा जी का ए आया है, फेसबुक पे भी कई सही आंसर आ रहे हैं, आदि जी का थोड़ा एक गलत है, शायद उन्होंने बी लिखा है, तो सभी का आंसर ए है। बहुत ही आसान सा सवाल था, पैरासिटामोल। ओके, पैरासिटामोल ही आपका आंसर है, ठीक है, पैरासिटामोल ली जाती है जब भी आपको फीवर रिड्यूस करना होता है, ऐसा कुछ इसका होता है लेआउट। ओके, तो देखिए यहाँ पे तीन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे कि डायपेजाम है, डायपेजाम के बारे में कि ये एंजाइटी के लिए जाती है, जब भी आपको टेंशन होती है तो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसके लिए इसको लिया जाता है, ठीक है। जिनके अल्कोहल जो लोग ज़्यादा लेते हैं वहाँ पे भी इसको काम में लिया जाता है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को लेकर, और मसल में अगर आपके क्रैम्प आ गए तब भी इसको लिया जाता है। अगर मैं ब्रूफेन की बात करूँ तो ब्रूफेन किस लिए काम आएगी, ये भी पेन रिलीवर है, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, और अगर ज़्यादा अगर स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस आ गई है बॉडी में कहीं पर भी किसी पार्ट में, तब ब्रूफेन को यूज़ में किया जाता है। तो यहाँ पे सही लिखा है दिलवर जी ने, ब्रूफेन एक पेन किलर है, एस्पिरिन जो है ये भी एक पेन किलर ही है। ओके, तो ब्रूफेन कई जगह पे काम पे ली जाती है, जैसे कि अर्थरेसिस में भी ली जाती है, मसल बोन इंजरी में, ओके, स्वेलिंग के मैंने आपको बताया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में, पीरियड पेन में, सर्जरी के टाइम पे, डेंटल पेन में। और अगर मैं इसकी बात करूँ एस्पिरिन की, ठीक है, तो एस्पिरिन भी मेडिकल के लिए, ट्रीट के लिए, किस लिए, ट्रीटमेंट के लिए, पेन के लिए काम में ली जाती है। इनफैक्ट फीवर, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो आपके हार्ट अटैक है, स्ट्रोक्स है, ब्लड क्लॉट है, इन सबको रोकने के लिए, ठीक है, वहाँ पे भी इसको काम में ली जाती है। और ये एस्पिरिन क्या करती है, डिक्रीज करती है रिस्क किसका, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर का भी। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट गोलियों के मेडिसिन का पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे गोपाल जी ने तो इसकी क्वांटिटी भी लिख दी है कि कितना इसको लेना चाहिए। ओके, तो अच्छी बात है कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है। द अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज रिकग्नाइज बाय, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता को पहचान कब मिली। ओके, ये आपका सवाल है ट्रीटी ऑफ पेरिस से, ट्रीटी ऑफ लंदन से, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से, या फिर मिसौरी कॉम्प्रोमाइज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अमेरिका, फ्रांस, ये जो देश है, रशिया, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो मुझे और उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ आंसर सही आएंगे। ओके, बीनू जी का बी आंसर आया है, प्रमोद जी का ए आंसर आया है, प्रमोद जी ने हैप्पी बर्थडे भी बोला है किसी को। ओके, तो देखिए यहाँ पे सी काफी आंसर आ रहे हैं, वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स तो थोड़ा डिफरेंट हो गया। ओके, फेसबुक पे अमित कुमार जी के और परवार जी के सी आंसर आया है, नवीन जी का ए आया है, तो बी सी ए बी सी, काफी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे, आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस से क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस रिकग्नाइज करी गई थी अमेरिका की। ओके, देखिए अमेरिकन रिवोल्यूशन जब स्टार्ट किया था, इसका पीरियड की अगर अपन बात करते हैं तो 1765 से 1783 के बीच में बात करते हैं, ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1765 में। तो कई सारी जो 13 कॉलोनीज थी उस टाइम पे, उनको इंडिपेंडेंस मिली थी किससे, ग्रेट ब्रिटेन से। ओके, और बाद में फिर वो बने 13 कॉलोनी ने मिलकर बनाया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंडिया जैसे कि कई स्टेट्स मिलकर बना है, वहां पे कई स्टेट्स ने मिलकर अमेरिका को बनाया है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, इसीलिए वहां पे स्टेट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू द सेंटर। और इस वॉर के अंदर फ्रांस ने भी अमेरिका का काफी साथ दिया था और ब्रिटेन को डिफीट किया था अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर के अंदर। देखिए सबसे पहले जब इनकी
जो स्टार्ट किया गया था मूवमेंट, जैसे अपन ने 1957 से मंगल पांडे जी के टाइम से स्टार्ट किया था, वैसे इनके 1765 से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जब कुछ अमेरिकन कॉलोनियल सोसाइटी थी उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो हम टैक्स नहीं देंगे। ओके, इसको लेके उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में वो मूवमेंट आगे बढ़ के टी पार्टी बॉस्टन टी पार्टी तक पहुंच गया। वहां पे भी ब्रिटिशर्स को मात खानी पड़ी, उन्होंने पूरा जो फैक्ट्री थी उसको बंद करनी पड़ी। ये था 1773 के टाइम पे। ओके, उसके बाद में ऐसे मूवमेंट आगे बढ़ता गया और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई 1783 में, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर दिया गया। नए नेशंस की बात करी कि एक नया देश बनेगा और उसके बाद में जितनी भी टेरिटरीज थी वो सभी यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में आ गई। ओके, और जो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस, कई बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ किया जाता है, जो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करी थी तो उस टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, तो वहाँ पे किंग जॉर्ज सेकंड थे। ये कहाँ से थे, यूके से थे। ठीक है, किंग जॉर्ज थर्ड, इनफैक्ट सेकंड नहीं थर्ड, किंग जॉर्ज थर्ड थे किसके, यूके के, उन्होंने साइन की थी। ओके, और कई सारे रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, और उसके बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। ठीक है, और उनको आज़ादी उसके बाद में दी गई। उसके बाद हम बाई कैमरल, वहाँ पे कांग्रेस बनाई गई, नेशनल जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, काफ़ी कुछ वहाँ पे बनाया गया। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ पूछा गया है। शोभित जी ने पूछा कि बॉस्टन टी पार्टी के बारे में बताइए। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, तो इसके बारे में डिटेल तो अपन किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं उसके डेप्थ के में टॉपिक में आपके बारे में डिस्कस करूँ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमीडिएट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण क्या था, ये आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बोला है कि स्पेलिंग गलत है। ओके, पेरिस, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पेरिस होना चाहिए, पेरिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपसे नाइन्थ क्वेश्चन है कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण क्या था, द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लिनन, द सडन डेथ ऑफ लॉर्ड जॉर्ज, द असैसिनेशन ऑफ द ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, और या फिर द एम्बिशन ऑफ अमेरिका टू डोमिनेट द वर्ल्ड। ये चार ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, उसका तत्कालीन रीजन क्या था। ओके, तो देखिए यहाँ पे सी आंसर काफी लोगों ने आया है, बी आया है, उर्मिला जी का बी आया है, और ओके, रेनिशंस के बारे में पूछा है ज्योति जी ने, तो बिल्कुल अपन उसके बारे में बात करेंगे जरूर। ये टॉपिक्स मैं नोट कर रहा हूँ आपके लिए, अलग से इनका वीडियो जरूर लेके आएंगे। जो डेवलपमेंट जो हुआ था साइंस का, उसको रेनिशंस कहते हैं, और इंडिया में काफ़ी लेट 19 सेंचुरी में आया था, वैसे ही यूरोप में 14 सेंचुरी में, अमेरिका में 17 सेंचुरी में। तो यहाँ पे सी आंसर आया है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों का आंसर सही है फ्रेंड्स। जब असैसिनेशन हुआ था आर्च ड्यूक का, यानी कि जो ऑस्ट्रिया के जो ड्यूक थे, ओके, उनकी जब डेथ करी थी एक किसने, सर्बिया के पर्सन ने, ओके, तब ये इवेंट हो गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, देखिए जून 28, 1914 ये फाइनल इवेंट था जिसमें आउटब्रेक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, ऑन दैट डे, उस दिन क्या हुआ था, आर्च ड्यूक थे फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के थ्रोन पे ये थे। ठीक है, तो उनकी डेथ कर दी गई थी, उनको किसने मार दिया था, एक यंग सर्बियन पर्सन था, नेशनलिस्ट था, उसने उनकी डेथ कर दी थी। सर्बिया क्या चाहता था कि डोमिनेट करना चाहता था, साथ में किसके, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ में वहाँ पे एरिया में, इसीलिए इसकी डेथ कर दी। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने वॉर्न किया सर्बिया को, सर्बिया के पीछे रशिया था और भी काफ़ी सारे देश थे, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया का जो साथ दिया वो जर्मनी ने साथ दिया। ओके, देखिए यहाँ पे कौन थे, देखिए दो तरह की पावर्स थी, सेंट्रल पावर और एक अलीट पावर्स। सेंट्रल पावर सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया, जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये दो देश थे जिन्होंने साथ में अटैक किया किसके ऊपर, सर्बिया के ऊपर। सर्बिया की तरफ से रशिया सामने आया। ओके, रशिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा इस वॉर के अंदर, इसी के बाद में सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हंगरी के बाद में यहाँ पे जो बुल्गारिया का साथ दिया, बुल्गारिया ने यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे दुनिया के सभी देशों ने इनका साथ दिया, जैसे बेल्जियम, जापान, यूके, यूएस, ओके, ब्राज़ील, सभी वॉर में उतर गए सर्बिया और रशिया के साथ में। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, और जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को, इनको एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, और जर्मनी ने दोनों ही वॉर जो लड़ी है उसमें दोनों में इसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो ये रिजल्ट था जिसके वजह से उसको हारना पड़ा, और ये एक उसका इंपॉर्टेंट रीज़न था।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन. तो रशियन रिवोल्यूशन के फादर के रूप में किनको जाना जाता है. ओके तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. रशियन रिवोल्यूशन का फादर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन जितना कि ग्रीन रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है. ओके और गोपाल जी ने सही कहा है कि उनके ड्यूक के साथ में उनके वाइफ को भी मार दिया गया था जो कि यंग सर्बियन जो उसको ब्लैक हेड के नाम से जाना गया था. ओके यहां पे पूछा गया है एक अभिषेक जी ने कि हु वाज द लॉर्ड जॉर्ज. तो जैसे कि आज राइट नाउ जो विक्टोरिया है वहां के जो हेड है उस टाइम पे जो लॉर्ड जॉर्ज थे थर्ड वो वहां पे हेड थे यूके के. ओके तो उन्होंने वो ट्रीटी साइन करी थी यूएस को आजादी के लिए. तो यहां पे जो आंसर वो डी सी बी ए काफी डिफरेंट आंसर आए हैं और सी लाज कार्ल मार्क्स को लोग जानते हैं इसलिए कार्ल मार्क्स का आंसर काफी आया है यहाँ पे. एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स आंसर सी नहीं होगा, कार्ल मार्क्स नहीं होगा. ठीक है मंतोष जी ने डी आंसर किया है तो उनका सही है लेनिन. लेनिन इसका सही आंसर है. ठीक है जो रशियन कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल थायरस थे, बहुत ही बड़े पर्सन थे जिन्होंने 1917 और 18 के अंदर तीन चीज़ों के ऊपर आंदोलन किया. इनकी तीन डिमांड थी लेनिन की, पीस ओके लैंड और ब्रेड. इसके ऊपर ये रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था. ओके देखिए पीस था कि जो वर्ल्ड वॉर हो चुकी है वर्ल्ड वॉर वन तो उससे रशिया सबक ले और पीस करे. लैंड को लेकर इनकी डिमांड थी कि जो जमींदारों ने लैंड ले रखी है गरीब लोगों की ओके उनको लैंड वापस करे. और ब्रेड को लेकर ये था कि जो लोगों के पास में शॉर्टेज है फूड की खाने के सामान की उसको पूरा किया जाए. तो उस टाइम पर जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी वो सैरिस्ट की गवर्नमेंट थी, सैरिस्ट रिजिम था उस टाइम पर. इसको हटाने के लिए उन्होंने ये रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था. ठीक है और उसके बाद में काफ़ी हद तक इनको सफलता भी मिली और उसके बाद में रशिया एक अलग ही रशिया बन के आया इस रिवोल्यूशन के बाद में. तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और कल अपन वापस से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे. कल मतलब मंडे को. ओके मंडे को अपन हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. साथ में मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मैं डिस्कस करता रहूँगा. ऐसे ही फ्रेंड्स जुड़े रहिए और इन्जॉय करते रहिए जीके को. सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.